हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रिटायर्ड पंजाबी। जॉय चंडी मंदिर देखने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं कलकत्ता की तरफ, और अभी तक हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो रास्ते में हम लोग ब्रेकफास्ट तैयार करेंगे। ब्रेकफास्ट में आज हम लोग तैयार करेंगे वड़ा पाव और खूबसूरत हाईवे पे घर का बना हुआ ब्रेकफास्ट बात ही कुछ और। हमारा किचन का सेटअप हो गया तैयार, और अब हम पहले बनाएंगे चाय, उसके बाद बनाएंगे वड़ा पाव। वाओ, क्या खुशबू आ रही है चाय की। चाय तो रेडी भी हो गई। हाँ, तो चाय रेडी होने में टाइम नहीं लगता, तवा इसमें से निकालना है ना। एक मिनट अभी रुको। रश्मि कर रही है बर्गर बनाने की तैयारी। देखो चाय में बॉयल आना शुरू हो गया। ऐसे खुले में कुकिंग करते हुए बहुत ही मजा आता है। पिकनिक मनाने का अलग मजा आ रहा है। हर जगह पिकनिक हो जाती है जहाँ भी रुकते हैं। उबाल आ रहे हैं, बॉयल हो रही है चाय बढ़िया सी, और अब हम चाय को रखेंगे कैटल में। मैडम ने लगा दिया है तवा। ये देखो बर्गर कट हो रहे हैं, अभी घी लगा के इस पे गरम होंगे। खीरा कट गया है, वड़ा पाव पहले तैयार किया जाए। पहले वड़ा पाव। हाँ, ये बन रहा है मुंबई वड़ा पाव। थोड़ा गैस कम करूं क्या? हाँ कर दो। ये है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। वाओ, मजा आ गया। कलर देखो कितना अच्छा आ रहा है, कितना बढ़िया आ रहा है इसका, बढ़िया कलर आ रहा है। वो रखे हुए हैं बर्गर्स। अब जो जिस एज में हम हैं रिटायर्ड, वो बाहर का खाना रोज रोज नहीं खा सकते, क्योंकि बाहर का खाना रोज खाने से हमारी हो जाएगी तबीयत खराब। रेडी है सब कुछ, चाय बना के रख दी है रश्मि ने। हाँ बस, इसमें लग गया खीरा और वड़ा पाव। फर्स्ट क्लास बर्गर तैयार हो गए हमारे, और इनको देख के ना मुंह में पानी आ रहा है। जल्दी से मिले खाने को, जल्दी से खाने को मिल जाए। और धूप में बैठ के करेंगे ब्रेकफास्ट, गरम गरम चाय। चाय ग्लासेस होल्डर में डाल देना, गिरेगा नहीं। हाँ नहीं, ये टेबल का सेटअप बहुत अच्छा है। चाय लग गई है उसमें, गिरेगी नहीं। इसको भी पड़ा रहने तो बाद में करेंगे। हाँ, ये तो बाद में पूरा क्लीन करना पड़ेगा ना। यम्मी है। मैं भी थोड़ा टेस्ट कर लूँ। मतलब फर्स्ट टाइम वड़ा पाव बर्गर। वाओ, फर्स्ट टाइम, ए क्लास। विदाउट सॉस भी बहुत बढ़िया लग रहा है। सॉस भी अच्छा लग रहा है, मजा आ गया। और गरम गरम चाय, सर्दियों में तो वैसे चाय बहुत अच्छी लगती है। लोकेशन भी बहुत अच्छी है। ये तो वो करेगा ना। नाश्ता बनाने की ड्यूटी मेरी थी, अब किचन को समेटने की ड्यूटी जो है विनोद जी की है। अब ये कर रहे हैं। एक मिनट लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। टाइम तो नहीं लगता। स्पून वगैरह इसमें रख देंगे ना लपेट के, तो हाँ आवाज नहीं आती ना उससे, ये बढ़िया है। नाश्ता फिनिश करके अब हम चल पड़े हैं अपने आगे के सफर पर। मालगाड़ी जा रही है, गुड्स ट्रेन। फाटक बंद हो गया और ये ट्रेन जा रही है। कितनी स्लो चल रही है, इतनी स्लो क्यों चल रही है? गूगल ने हमें किसी छोटे रास्ते पर डाल दिया, समझ नहीं आ रही। वाह, कईया भेड़े, ये देखो। रास्ता तो बहुत माता माता, रास्ता तो अच्छा होता है, लेकिन समझ नहीं आता कि वो बच्चा भागा वापस। ये तो हम लगे हैं वेस्ट बंगाल के जो गांव है उनके बीच में से निकल। Thank you.
है यहाँ की लाइफ? मतलब बहुत छोटा बच्चा यहाँ गाँव पढ़ने नहीं जाता है, जैसे हम प्लेन्स में तो 2.5 साल का बच्चा होता है उसको स्कूल में डाल देते हैं, यहाँ पे बच्चे अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं थोड़ा सा। सरटोआ, बंकूरा, रानीगंज, पता नहीं कौन कौन सी जगह है। गांव से निकलकर अब हम आगे हैं हाईवे पे और वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत पुल नजर आया जिसके नीचे की नदी है, लेकिन नदी जो है वो बरसाती होगी क्योंकि अभी उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और आसपास का जो नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत है। ये लिखा हुआ कलकत्ता 175 किलोमीटर। उधर को? हाँ पता नहीं, उधर को ही था क्या? उधर को ही ये यहाँ को मुड़ना था, ये देखो लिखा हुआ था दुर्गापुर मारुति सर्विस स्टेशन पे खड़े हुए। यहाँ पर हमारी जो है गाड़ी की चाबी की बैटरी खत्म हो गई थी, वो हमें बार बार सिग्नल दे रही थी कि बैटरी खत्म है आपकी, तो हम लोगों ने हमें दुर्गापुर में मिल गया सर्विस स्टेशन, हम वहाँ से अपनी गाड़ी की चाबी बनवा रहे हैं, सेल डलवा रहे हैं उसमें। हम लंच बनाने के लिए रुके थे तो कुछ बच्चे जो ट्यूशन पढ़ के आ रहे थे वो भी हमें देख के यहाँ पर रुक गए हैं। हमारा इसमें पूरा सेटअप है, किचन में मतलब हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब रेडी करते हैं, इसी में सब रखा हुआ है, मसाले दाल वगैरह सब। ये इसमें हमारा वो भी है मतलब टेबल और चेयर फोल्डिंग वाला, तो वो फोल्ड कर लेते हैं और पैसे बिछा। हमारा प्रोग्राम तो पहले कलकत्ता जाने का था लेकिन हमें लग रहा है कि हमें सीधा गंगा सागर ही जाना चाहिए क्योंकि फिर हमें कल सुबह उठ के दोबारा से 120 किलोमीटर क्वाकद्वीप जाना पड़ेगा। तो लंच का टाइम हो गया लेकिन अगर हम लंच बनाने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अब हमने क्या किया है कि मैगी बना ली है ताकि टाइम भी जल्दी बन जाए, कम लगे और पेट भी भर जाए, दोनों काम हो जाए। तो इसलिए हमने हाईवे पे ही मैगी बना रहे हैं, अब मैगी बनेगी तो फिर हम मैगी खा के आगे को निकल जाएंगे, साथ में जूस ले लेंगे बस। बढ़िया सा लंच, बस मैगी तैयार हो जाए फिर हम खा के निकलते हैं। पीछे देखो उधर ग्रीन कितना है। हाँ वो तो है, सरसों भी लगी हुई है और भी कई सब्जियां लगी हुई है यहाँ, तो मतलब वेजिटेबल्स तो बहुत ज्यादा लगती हैं। लंच में हम ले रहे हैं गाजर का सैलेड, जूस और बस और मैगी हमने बनाई ली है, इससे बढ़िया खाना हो नहीं सकता था। इंस्टेंट क्योंकि हमारा जो अब टूर लंबा हो गया ना, कलकत्ता की जगह हम जा रहे हैं काकद्वीप जहाँ से की फेरी मिलती है गंगा सागर के लिए, हमने सोचा सीधा काकद्वीप में रुकेंगे, ये तो फिर अगर कलकत्ता रुकेंगे वहां से फिर हमें 2-3 घंटे में काकद्वीप जाना पड़ेगा, नेक्स्ट डे फिर हमें टाइम नहीं मिलेगा पूरा वहां घूमने का गंगा सागर, तो इसलिए हमने अब फटाक से ये करा कि मैगी बनाओ और टाइम सेव करते हुए आगे चलते हैं लंच करके। चल बस बाकी गाजर इतनी मीठी है, मजा आ रहा है खाने में। ये देखिए मैगी मस्त वाली, इसलिए तो बच्चे भी मैगी के दीवाने होते हैं। ये ऐसी चीज है कुछ नहीं हो आपके पास खाने का तो फटाफट पानी में डालो मसाला डालो और तैयार, अच्छी भी लगती है टेस्टी भी। हमने इसलिए कुछ चीजें इंस्टेंट वाली रखी हुई है जो कभी इमरजेंसी हो तो जल्दी बना ले, इसलिए ओट्स और एक खिचड़ी आती है वो भी रखी हुई है, जल्दी बन जाएगी ब्रेकफास्ट में अगर जल्दी से कुछ खाना हो। पोहा मिक्स आता है, ऐसी चीजें रख लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी करके निकल जाए काम। लंच करने के बाद अब हम लोग निकल पड़े हैं आगे कलकत्ता की तरफ, कलकत्ता होते हुए काकद्वीप की तरफ, जो कि हमें टाइम वहां पर पहुंचने का बता रहे 7:35, तो बहुत ज्यादा लेट नहीं है। ये देखिए ट्रकों की ना लाइन लगी हुई है, साइड पे भी रुके हुए हैं, पता नहीं कुछ रुके हुए हैं करने के लिए, रुके होंगे कुछ चल रहे हैं, ट्रक ही ट्रक है। अरे ये देखो ट्रक वाला एकदम से कैसे मोड़ दिया इसने, अगर हम अलर्ट ना हो तो सीधा ट्रक में जाके लगे गाड़ी, एकदम स्पीड से ब्रेक मारनी पड़ी। महात्मा बुद्ध की बहुत सुंदर मूर्ति। हम पहुंच गए हैं कलकत्ता के पास,
हमने आपको बताया था कि हम यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे कागदीप, लेकिन कागदीप का जो टाइम है वो पहले 7:30 बजे का बता रहा था और अब जो टाइम बता रहा है वो 9 बजे का बता रहा है। तो लगता है आगे जाम होगा, तो इसलिए अब हम सोच रहे हैं कि आज की रात हम कलकत्ता ही रुके और कल कुछ कलकत्ता को एक्सप्लोर करेंगे, फिर जाएंगे कागदीप। अब हो गई हमारी बढ़िया सी कलकत्ता के अंदर एंट्री, बहुत ही सुंदर ब्रिज बना रखा है, मस्त है भाई, बिल्कुल मस्त है ब्रिज का व्यू। हमने रास्ते में फोन कर और संत कुटीर गुरुद्वारे की धर्मशाला में बात की तो उन्होंने हमें कहा कि अकोमोडेशन मिल जाएगी, आप आ जाइए। तो हम लोग अब संत कुटीर गुरुद्वारे में जा रहे हैं। इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, और अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।